मौजूद हो जाता है, जो मैंने पाकिस्तानी एक डिबेट में एक किसी बहुत अच्छे छात्र से, एक स्टूडेंट से सुना कि सावन के अंधे को सब उल्टा नजर आता है, सावन के अंधे को सब उल्टा नजर आता है, लैला अंधा नजर आता है और मजनू अंधी नजर आती है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के तीसरे बड़े राज्य पंजाब की। पंजाब की जो आबादी है वो पूरे देश की आबादी 55% है, और पंजाबियों का डोमिनेशन, चाहे वो वहाँ की आर्मी हो, ISI हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, सब कहीं पे है। जुडिशरी पे किस कदर पंजाबियत हावी है, इसका एक एग्जाम्पल 77-78 में मैं देखने को मिलता है, जब जिया-उल-हक ने एक चुनी हुई सरकार, जो पंजाबी जनरल थे, उन्होंने एक चुनी हुई सिंधी प्रधानमंत्री की सरकार, जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार गिराई और उन पर झूठा गद्दारी का मुकदमा चला, तो पंजाबी जजेस ने उन्हें बेवजह फांसी दे दी गई, जिसके लिए आज भी जुडिशरी रिग्रेट करती है। तो ये पंजाबी जो थे, ये आज भी इनका डोमिनेशन है। पंजाबी आर्मी में तकरीबन 71% जो है वो पंजाबी हैं। पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी जो है वो ना बलूचों को, ना पख्तूनों को, ना मुहाजिरों को, ना सराइकी को, ना कश्मीरियों को, किसी को भी शामिल नहीं करते हैं, ना ISI में ना आर्मी में, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर लगता है कि अगर बलूच, पख्तून या जो मुहाजिर हैं, ये जो अगर ये किसी बड़े ओहदे पर पहुंच गए तो कहीं रिवॉल्ट ना कर दें। यानी आप अपने ही आवाम पे भरोसा नहीं करते हैं, शायद यही वजह है कि बाकी भी आप पर भरोसा नहीं करते हैं, सपने लेकिन कश्मीर और पंजाब के। बहरहाल पंजाब में भी जो सांप आपने आतंकवाद पालने के लिए पख्तूनों की धरती का इस्तेमाल किया, वही सांप वहां के पाले हुए वो चलते चलते आपके यहाँ भी आ गए। अब पाकिस्तान के पंजाब की अगर हम दक्षिणी प्रांत की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित वो दक्षिणी प्रांत है। यहाँ पर खतरनाक जो देवबंदी रेडिकल ग्रुप्स हैं, इसके आतंकवादी ग्रुप हैं, जिसमें जैश ए मोहम्मद है, जिसपे पठानकोट हमले का हाथ कहा जाता है, और इसके अलावा लश्कर जंग भी है, इसके अलावा लश्कर जंग भी के साथ जमात उल अरहर, जिसने इसी साल लाहौर के गुलशन पार्क में ईस्टर मना रहे मासूम बेगुनाह ईसाई भाइयों को, तकरीबन 70 से 71 भाइयों को मार डाला। इसके अलावा जो देवबंदी है, जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, ये हिंदू मुसलमानों को तो छोड़िए, ये इनका सबसे पहला जो जो निशाना होता है वो शिया भाई या अहमदी भाई होते हैं। जमात उल जो अरर है, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक स्प्लिंटर ग्रुप होता है। सिपाही सहाबा की मैं बात करता हूँ कि हिंदुस्तान तो चलिए काफिर मुल्क है, ये शिया और अहमदियों पे ही अटैक करता है। पाकिस्तान के पंजाब में, अगर हम ये कहें कि पूरे पाकिस्तान में पंजाबियों की जो ये आर्मी है, क्योंकि जो आर्मी है उसमें पंजाबी डोमिनेशन है, तो समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का अगर कोई पॉलिटिकल प्लेयर है तो वो आर्मी है, या सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहें तो वो भी आर्मी है, दूसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल प्लेयर कहें तो वो ISI है। शायद उसे इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान में पंजाबियों की, चाहे जितनी भी मौत हो, पख्तूनों की मौत हो, वो सबका ध्यान हटाने के लिए कश्मीर का मुद्दा, कभी पंजाब का मुद्दा उठाता रहता है, लेकिन दरअसल वो खुद किस कदर खोखला है कि मैंने अभी आपको बताया कि तीनों राज्य दरअसल किस कदर जार जार रो रहे हैं, लेकिन फिर भी असल हकीकत जो है वो समझने को तैयार नहीं है। बहरहाल हम बात करते हैं चौथे प्रदेश की, जो पाकिस्तान का सबसे पढ़ा लिखा प्रदेश है, ये है सिंध। जो 1947 से भारत से जो हिजरत करके जो मुसलमान उत्तर प्रदेश, बिहार, CP बरार, मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद से जो लोग भी, जो मुसलमान भी पाकिस्तान में बसे, उन्हें मुहाजिर कहा जाता है, वो सब सिंध में जाकर बसे। सिंध में, कराची में, मीरपुर खास, सक्खर, हैदराबाद, इन इलाकों में जाकर बसे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, तकरीबन आबादी 2 करोड़ है, पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 18 से 20 करोड़ होने जा रही है, तो 2 करोड़ की आबादी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर है तो वो इन्हीं मुहाजिरों की है। अब आप बात करते हैं कि कश्मीर में हम कश्मीरियत को, जो कश्मीरी नौजवान है उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करती है भारतीय आर्मी या भारतीय सरकार, लेकिन वो कुछ चंद भटके हुए नौजवानों की आवाज है, लेकिन आपके यहाँ 2 करोड़ जो महाजिर हैं उनकी आवाज आप लगातार 1947 से नहीं सुनते आ रहे हैं, क्योंकि उन महाजिरों ने हमेशा से दर्द झेला है, आपने उन्हें हमेशा से गद्दार कहा है, आपने उन्हें हमेशा से गांधी नेहरू की औलाद कहा है, ये साबित होता है, क्योंकि जब ये पढ़े लिखे महाजिर 1947 में आए तो इन्होंने पार्कों में बैठ के, टूटी हुई इमारतों में बैठ कर पाकिस्तान का निजाम चलाया, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी चलाई, पाकिस्तान की आर्मी चलाई, यही वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया
आया है, लेकिन जब इन्हें फख्र होता था, जब ये पाकिस्तान के ये जो महाजर भाई है, जब ये कहते थे कि हमने पाकिस्तान बनाया, तो हर बलोच को, हर सिंधी को, हर पंजाबी को इस बात से नफरत होती थी। वो पसंद नहीं करते थे कि ये महाजर कैसे ये दावा कर रहे हैं कि उनके पूर्वजों ने दरअसल पाकिस्तान बनाया। यही वजह रही कि लगातार वो जो चिड़ है वो होते होते उनको, चाहे स्कूलों हो, कॉलेज हो, महाजरों के साथ हमेशा मारपीट होती रही, हमेशा गद्दार कहा जाता रहा, हमेशा भारत का एजेंट कहा जाता रहा। सबसे बड़ी आसान तारामोशी की घटना ये सोचिए कि जिस हिंदुस्तानी मुसलमान भाई ने आपका मुल्क बनाया, जिस शख्स मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पाकिस्तान जैसा एक बड़ा सपना अपने आप में करिश्माए कि एक देश बनाया, उनकी सगी बहन फातिमा जो जिन्ना थी, उन्हें भी इन्हीं पाकिस्तानियों ने गद्दार कहा। लियाकती अली खान, जिन्होंने अपनी पूरी जमीन जायदाद और सिर्फ चंद कपड़ों में जो पाकिस्तान आए, देश के पहले प्रधानमंत्री गए बने, उन्हें भी आपने गद्दार कहा, उन्हें भी आपने कत्ल कर दिया। मुजीबुर रहमान, उनके साथ भी आपने यही किया। सुहारवर्दी, उनके साथ भी आपने यही किया, उन्हें महाजिर कहकर हमेशा अपमानित किया जाता रहा। सबसे बड़ी अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने भले ही चोरी से एटम बम बनाया हो, लेकिन आपने उन्हें भी गद्दार कहा, उन्हें भी महाजिर कहकर आज की डेट तक आप उन्हें अपमानित करते आए हैं। लेकिन पाकिस्तानी टूट फूट की फिल्म ये दरअसल यहीं नहीं रुकती है। पाकिस्तान की टूट फूट की फिल्म यहां से दरअसल शुरू होती है, जब मुहाजिरों पे इतना आतंक लगातार आर्मी ने, आईएसआई ने, रेंजर्स ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने और जितनी सरकारें लगातार उन्होंने ये किया, तो एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया जिसको मैं बेहद पसंद करता हूं। आज मेरे छोटे से पत्रकार जीवन में अगर मुझे किसी का इंटरव्यू, अमिताभ बच्चन जी का, सचिन तेंदुलकर का, नरेंद्र मोदी का, सोनिया गांधी का या राहुल गांधी का इंटरव्यू लेने का मौका मिले, तो इनमें से मैं किसी का इंटरव्यू नहीं लेना चाहूंगा। मैं इंटरव्यू लेना चाहूंगा उस शख्स का जिसने इन 2 करोड़ मुहाजिरों की जो आवाज बना, जिसने इन मजलूमों की आवाज को सेनेट में पहुंचाया, पार्लियामेंट में पहुंचाया, असेंबली में पहुंचाया, जिसकी पार्टी आज पाकिस्तान की चौथी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास तकरीबन छोटी उसकी लोकसभा है तो समझ सकते हैं 25 उसके सांसद हैं, कम से कम 50 से ज्यादा उसके विधायक हैं, 5 से ज्यादा सेनेट मेंबर्स हैं। वो शख्स है अल्ताफ हुसैन, जिसने एक एमक्यूएम पार्टी बनाई जिसकी आवाज आज भी पाकिस्तान के अंदर गूंजती है, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा घबराहट अगर किसी आर्मी को या आईएसआई को होती है तो वो अल्ताफ हुसैन से होती है, जिसने इसी साल 22 अगस्त 2016 को आपकी आजादी के 65-70 साल बाद पाकिस्तान विरोधी नारा लगाया, और कराची आपका जो सबसे बड़ा शहर है वहां पे पाकिस्तानी विरोधी नारा हर गली, हर मोहल्ले और पूरे आपके पाकिस्तान में गूंजा। और आप बात करते हैं हमारे कश्मीर की, अब करते हैं चंद भटके हुए नौजवानों की जो कश्मीर के लिए नारा लगाते हैं, लेकिन आपके 18 करोड़ की आवाम में से 2 करोड़ की आवाम खुलेआम पाकिस्तान विरोध का नारा लगाती है। अल्ताफ हुसैन 92 से लंदन में है, निर्वासित हैं, वहां पर वहां के नागरिक बन चुके हैं, वो वहां से तकरीर करते हैं, यहाँ पे आपकी पूरी महाजिर जनता उनका सपोर्ट करती है। अपने आप में वो एक पहले शख्स हैं जिन्होंने जो टेलीफोनिक खिताब करते हैं, शायद दुनिया के पहले शख्स हैं जो अगर सुबह 4 बजे भी वहां से टेलीफोनिक खिताब करते हैं तो लाखों की संख्या में उनके जो चाहने वाले हैं उनको सुनना चाहते हैं। दरअसल जब पाकिस्तानी स्कूल कॉलेजेस में मुहाजिरों को गद्दार, गांधी नेहरू की औलाद कहकर मारा जाने लगा, पीटे जाने लगा, तो ये जो मुहाजिरों की जो दूसरी पीढ़ी थी उसे पाकिस्तान के गुलाबी ख्वाब में कोई यकीन नहीं था, उसे जो यकीन था उस स्याह हक में था जो उसे कभी मिला नहीं था। जब पाकिस्तानी महाजिर स्टूडेंट को, तालुका को जब हमेशा परेशान किया जाने लगा, तो 1977 में एक आवाज उठती है अल्ताफ हुसैन की, और 1978 में वो एक पार्टी बनाते हैं स्टूडेंट्स की, APMSO, ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1984 आते आते तक, चूंकि इतना आपने प्रताड़ित किया था अपने जो महाजिर भाइयों को कि वो 84 आते आते तक वो MQM महाजिर कौमी मूवमेंट बन जाता, एक पार्टी बन जाती है। 1985 में वो जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं उसमें मेजर जो शहर हैं वहां पे मेयर का पद उनको मिल जाता है। 1988 आते आते तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के साथ वो मिलकर सरकार बना लेती है, लेकिन अब पाकिस्तानी आर्मी जो कि पंजाबी डोमिनेटेड रही है वो कैसे मानती मुहाजिरों को आगे बढ़ते कैसे देख सकती थी। 92 में एक ऑपरेशन चलाती है जिसमें हजारों मुहाजिर मारे जाते हैं, लेकिन अल्ताफ हुसैन जो है वो बाल ठाकरे साहब और भिंडरा वाले का मिला जुला, बल्कि उनसे हजार गुना ज्यादा शख्सियत रही है। टिट फॉर टैट के जवाब में जब आर्मी 2 मुहाजिर को मारती थी वो 4 आर्मी वालों को मार देते थे। अब भले ही आप उन पर आतंकवादी कहने का आरोप लगाएं या टेररिस्ट कहें उनको या उनके ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन वो चुनी हुई सरकारें हैं जिसके 25 सांसद हैं, जिसके 50 ज्यादा मेंबर्स हैं, 5 सेनेट में यानी राज्यसभा के जो उनके सदस्य हैं। 92 में लेकिन जब ऑपरेशन होता है, अल्ताफ हुसैन साहब
चले आते हैं लंदन, और वहां से अब वो तकरीर करते हैं, और उनकी तकरीर में पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगातार सुनाई देते हैं उनकी। 22 अगस्त को उन्होंने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। तो ये जो पाकिस्तानी मुखालिफ नारों की जो असलियत है, उसे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या सिंध या पंजाब, हर हर जगह है, आप देखिए। उसके बावजूद आपका जो सपना है वो कश्मीर के लिए, पंजाब को तोड़ने का, लेकिन दरअसल आपका देश खुद किस कदर, पाकिस्तानी आर्मी सोचती है कि, या पाकिस्तानी हुकूमत सोचती है कि हमारा जो देश है, हमारा जो मुल्क है, वो उभरता हुआ पाकिस्तान है। दोस्त, उभरता हुआ पाकिस्तान नहीं, आपका देश एक सिसकता हुआ पाकिस्तान है, आपका देश रोता हुआ पाकिस्तान है, आपका पाकिस्तान घुटनों पर चलता हुआ पाकिस्तान है, से आपकी आर्मी ने, आईएसआई ने फिरका वारियत के जहर से घोलकर जो उसकी अमन है, अमन अमन की आशा को आपने रोक रखा है। मेरे पाकिस्तानी दोस्त ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही कि आपके यहाँ की फिल्में हमारे यहाँ बहुत देखी जाती हैं, और एक आपके यहाँ की फिल्म का एक मशहूर डायलॉग हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चलता है कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो जनाब, हमारे यहाँ तो घर ही नहीं है, दीवार ही नहीं है। ऐसे में अगर आपके 1 अरब 30 करोड़ हिंदुस्तानी भाइयों की जो फूंक है, वही हम लोगों को अगर लग गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम तो उड़ जाएंगे। यही बात पाकिस्तान के एक बहुत फेमस तर्जियाकार, जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, हसन निसार साहब, वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान बात करता है एटम बम फेंकने की, लेकिन वो भूल जाता है कि आपकी आबादी 20 करोड़ है। आप हिंदुस्तान की 1 अरब 20 करोड़ आबादी पर अगर एटम बम फेंकते हैं तो हिंदुस्तान के 20 करोड़ आवाम मर जाती है, लेकिन अगर हिंदुस्तान ने वो बम फेंका तो पाकिस्तान तो इस दुनियावी नक्शे से ही नेस्तनाबूद हो जाएगा। बहरहाल, पाकिस्तान के बारे में हमने ये बात की, आपको समझ भी आया होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के चारों जो राज हैं वो खोखले हैं, बावजूद इसके आप कश्मीर और पंजाब का सपना देखते हैं। इसी के साथ जय हिंद और जिए पाकिस्तान। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं अपने पाकिस्तानी दो सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं उन्हें उनका बेहद एहतराम करता हूँ, मैं उन्हें बेहद पसंद करता हूँ, शाजिब खानजादा साहब, वसीम बादामी, कामरान शाहिद साहब, जिनके मैं टेलीविजन प्रोग्राम्स तकरीबन 6-8 साल से लगातार देख रहा हूँ, हर रोज़ देखता हूँ, और मुझे उनकी सहाफ़त बहुत पसंद है। बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं, बहुत अच्छा ग्रिल करते हैं वो पॉलिटिशियन समेत सबको। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आपकी सहाफ़त में अमन की खुशबू कुछ इस कदर हो मेरे दोस्तों कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में नफरत की दीवारें टूट जाएं। इसके साथ साथ मैं अपने हिंदुस्तान के सीनियर एंकर्स सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, रोहित सरदाना, रजत शर्मा जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने भी पूरे देश को देशभक्ति की एक डोर में इस तरीके से जोड़ रखा है कि आज चाहे सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, आज हमारा पूरा भारत एक हो चुका है। एक बार फिर जय हिंद, जिए पाकिस्तान।